साथियों, आज का विषय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसकी महत्वता को देखते हुए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा तक कहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 32 क्या है। देखिए, कहा गया है कि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू किया जाए और यदि उनका उल्लंघन हो तो उनका उपचार किया जा सके। भारत के संविधान में वर्णित हमारे मौलिक अधिकार एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। यदि इनका उल्लंघन किया जाए किसी भी अथॉरिटी के द्वारा तो संविधान आपको अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। देशवासियों, अनुच्छेद 32 के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वो राज्य के उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत माननीय न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा 5 प्रकार के लेख जारी करने की शक्ति रखते हैं। ये 5 प्रकार के लेख मैं क्रमशः आपको बताना चाहूंगा। पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे अंग्रेजी में हिबियस कॉर्पस कहा जाता है और इसे इंग्लैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। हिबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है बंदी को प्रत्यक्ष करो, टू ब्रिंग विद बॉडी, टू हैव विद बॉडी। यह याचिका उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो। इस याचिका में प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर समीपस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करे। दूसरी याचिका है परमादेश, इसे अंग्रेजी में मैंडेमस कहा जाता है। यह याचिका न्यायालय द्वारा उस वक्त जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन से इनकार कर दे या फिर उसमें लेट लतीफी करे। ध्यान रखें, यह याचिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यह केवल लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तीसरी याचिका है या रिट है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। यह याचिका न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। इसे जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोका जाता है। चौथी याचिका है उत्प्रेषण, जिसे अंग्रेजी में सरसरी कहा जाता है। यह याचिका भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसे जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित प्रकरणों को शीघ्र न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवी और आखिरी याचिका है अधिकार प्रच्छा, इसे अंग्रेजी में क्यू वारंटो कहा जाता है। इस याचिका को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का उसे अधिकार नहीं है। इसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर आसीन किसी व्यक्ति की योग्यता की जांच करता है और यदि दावा सुआधारित नहीं है तो उसे पद से निष्कासित किया जा सकता है। साथियों, ये 5 याचिकाएं संविधान में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये नागरिकों के वे टूल्स हैं जिनकी मदद से वे अपने छीने हुए, खोए हुए मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इन याचिकाओं को जारी करता है। मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि याचिकाओं को जारी करने के संदर्भ में राज्यों के उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय से जाता है। दरअसल बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इन याचिकाओं को तभी जारी करता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, नथिंग एल्स। बट राज्यों के उच्च न्यायालय इन याचिकाओं को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तो जारी कर सकते हैं, अन्य नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी उच्च न्यायालय इन याचिकाओं को जारी कर सकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों की रक्षा भी वो करता है। तो साथियों, यह अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का एक बहुत शानदार रक्षात्मक उपाय है नागरिकों के लिए। इसीलिए बाबा साहब ने इसे
हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। जय हिंद, जय भारत।